गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का टाइटल और थंबनेल सबको पता चल गया होगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सुंदरबन की तरफ। आज मैं सुंदरबन जा रहा हूँ। मेरा सुंदरबन में स्टे है 2 नाइट्स 3 डेज का, और मैंने पैकेज में लिया, मैंने सुंदरबन से पैकेज लिया था एक टूर एंड ट्रैवल से, वहाँ से मैंने पैकेज करके मैंने 2 नाइट्स 3 डेज का ट्रिप लिया सुंदरबन का। पैकेज में क्या क्या है क्या क्या नहीं है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इन विस्तारों में। और पैकेज मैंने कहाँ से लिया है ये मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से मैंने सुंदरबन का पैकेज लिया है। कॉन्टैक्ट नंबर और टूर एंड ट्रैवल का नाम भी मैंने मैंशन कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्रिप शुरुआत करते हैं। रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी मैं इंडियन म्यूजियम के सामने खड़ा हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि सुंदरबन जहाँ से मैंने बुक किया sundarbanchalo.com, वहाँ से मेरे को बोला गया है कि पिकअप पॉइंट इंडियन म्यूजियम से है। जी हाँ दोस्तों, वो लोग यहाँ से गाड़ी भेजेंगे, उनके गाड़ी से हम लोग जाएंगे सुंदरबन। तो उनका जो पिकअप पॉइंट है वो इंडियन म्यूजियम है, और दूसरा लोकेशन था प्रगति मैदान नियर अपोजिट साइंस सिटी सेंटर कोलकाता। मेरा पहला ये है इंडियन म्यूजियम, और दूसरा है प्रगति मैदान अपोजिट साइंस सिटी, वो दूसरा पिकअप पॉइंट है। मेरे घर के पास में इंडियन म्यूजियम सबसे नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैंने ये पिकअप पॉइंट चूज़ किया है। 8:30 बजे का टाइम दिया, अभी बज रहे घड़ी में सुबह के 8 बजे, तो देखते हैं कब तक गाड़ी आता है, कब तक नहीं, तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं। 8:30 बजे का टाइम था, बिल्कुल राइट टाइम पे हम लोग आए हैं। और यहाँ से पहले हम कहाँ जाएंगे भैया? कैनिंग, सुंदरबन जाएंगे। कैनिंग सुंदरबन जाएंगे, यहाँ से पूरा डायरेक्ट सुंदरबन। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सुंदरबन जाएंगे। रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी हम लोगों को यहाँ पे खाना मिला है, ब्रेकफास्ट में हम लोगों को सैंडविच मिला है, क्लब कचौड़ी मिला और एक लड्डू मिला है। चलिए टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ये। ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट बहुत ही लाजवाब था। क्लब कचौड़ी का टेस्ट भी ठीक ठाक सा था, सैंडविच का भी टेस्ट ठीक ठाक सा था, और लड्डू का टेस्ट भी ठीक ठाक था सर। तो ब्रेकफास्ट का रेटिंग में 10 में से 8 दूंगा। तो ओवरऑल ये हम लोग का पैकेज शुरू हो गया। पैकेज में हमने जैसा कि देखा कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो ब्रेकफास्ट हम लोग को दे दिया भैया ने। और हम लोग अभी जा रहे हैं सुंदरबन की तरफ। सुंदरबन की तरफ कितना टाइम लगेगा वो भैया को नहीं पता, शायद 3.5-4 घंटे का टाइम होगा, तो उतना टाइम लग सकता है। चलिए रास्ते में कुछ दिखता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि दूसरा जो पिकअप पॉइंट है वो पीसी चंद्र गार्डन ऑपोजिट साइंस सिटी, ये अब दूसरा पिकअप पॉइंट पे हम लोग अभी आए हैं। यहाँ से और भी टूरिस्ट जाएंगे सुंदरबन के लिए। तो हमारा जो पहला पिकअप पॉइंट का लोकेशन था इंडियन म्यूजियम, वहाँ से तो मैंने अपना जर्नी शुरू किया, और ये सेकेंड लोकेशन पिकअप पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने लिया है चाय ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं सुंदरबन रिसोर्ट, मतलब हम लोग सुंदरबन में नहीं है, इस रेस्टोरेंट का नाम है सुंदरबन रिसोर्ट। और यहाँ पे हम लोग के पैकेज के पैकेज के थ्रू चाय मिलेगा, चाय ब्रेक हुआ है। ड्राइवर साहब ने बोला यहाँ पे चाय मिलेगा, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना है लीजिए। उसके बाद यहाँ से रवाना होके फिर सुंदरबन के लिए। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आँखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे दे, बाहों में तेरे दे जगा। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हें के चाहे चियारो बेशी कि कोरे बोलबो वालो बाशी। ए अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है, तुम्हारे टूटे मुझकी हसी आमी बड्डो भालोबाशी। जो भी है ये सिलसिले
ऐसे ही चलते रहे, तू साथ तो है ना, मेरे शक ये तेरे हवाले बेपनाह, तुझसे ही तो है मेरे दिल की दास्ता, तुझसे ही सारे वास्ता। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, तुम्हें चाहिए यारो बेशी की कोरे बोलबो बालो बाशी, के अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है। तो अभी मैं गदखली जब पर एक जगह है गदखली, वहाँ पे आप पहुँच गए। हम लोग गाड़ी ने हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ये है कुछ नज़ारा यहाँ से। अभी किसी एक बोट पे हम लोग चढ़ेंगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। देखते कहाँ से लेकर कहाँ तक लेकर जाएंगे हम लोग को बोट पे। बोट पे हम लोग का आज खाना होगा, देखते कौन से बोट पे हम लोग को ले जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बोट है MV सुंदरबन चलो, ये है हम लोगों का बोट, इसी बोट से हम लोग जाएंगे। बोट से जाने से हम लोगों का 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा। इसमें जाते जाते हम लोग बोट पे ही लंच होगा और उसके बाद हम लोग साइट सीन करते हुए हम लोग जाएंगे सीधा बार्ड सेंचुरी जगह। ओके, उसके बाद सनसेट का जो व्यू है वो व्यू देखने के बाद ही हम लोग रिसोर्ट चेकिंग होंगे। ओके, क्योंकि अभी ठंडा का टाइम है तो बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है, इसीलिए पूरा कवरेज करके हम लोग उसके बाद रिसोर्ट जाएंगे। ओके, तो जैसा कि आपने सुना ये है आज का प्लान। बोट पे हम लोगों का लंच होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हमारा बोट कुछ ऐसा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बोट कुछ ऐसा है। मैं पूरा आपको बोट का टूर दूंगा। ये कुछ है हमारा बोट, ऐसा कुछ है हम लोग का बोट। यहाँ पे ड्राइवर साहब और ये है फ्रंट पार्ट ऑफ द बोट। मैंने लिया था। इस रिवर का नाम है दुर्गा धवन। ऐसे बहुत सारे रिवर है, एक्चुअली मेन रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र। क्या बोल रहा? जब बांग्लादेश होके बे ऑफ बंगाल से ऐड हुआ है, उसी का बैकवाटर है। ये पूरा का पूरा खारा पानी है नमकीन, और इसका साथ साथ यहाँ पे 2 आइलैंड भी है। अगर मेरा लेफ्ट हैंड में जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है गोसावा, समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा जो डाइट की ओर जो आइलैंड है राइट साइड, इस आइलैंड का नाम है बाली है। ऐसे टोटल आइलैंड है पूरा सुंदरवन में 102 आइलैंड है, जिसमें से ऑनलाइन में कर सकता है क्या? 24 जंगल पार्ट जहाँ पे मैनग्रोव से ये है एनिमल सब कुछ रहता है, और बाकी जो 48 जो आइलैंड है वो पूरा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है बराबर, सॉरी, वो पूरा गांव है जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं। ये भी एक आइलैंड है, ऐसे बहुत 48 आइलैंड है। आइलैंड का पॉपुलेशन है मैक्सिमम 20,000 एवरेज।
और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंग्रोव जो है अभी टाइम की ओर जो मैंग्रोव से राइट साइड में 84 वैरायटीज ऑफ द मैंग्रोव ओनली फॉर सुंदरबन पार्क। ओके ओके, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में है 108 स्पीशीज का वाटर नहीं है नीचे खबरটা নিচে গান তো আমি কেটে দিই ওই জন্য এটা চুপ করো না আপনি লোকাল সাইড है কেউ है ঘোড়া है বাই है সুন্দরী ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है लेकिन आप दूर से अगर फोकस करेंगे तो देखिए सब सेम ही लग रहा है लेकिन थोड़ा नजदीक जाएंगे तो और भी इसका डिफरेंट डिफरेंट सब मैंग्रोव देखने के लिए मिलता है। मैंग्रोव का क्या मतलब? एक्चुअली मैंग्रोव का मतलब ये है ये खारा पानी में जिंदा है क्योंकि यहाँ पे दिन में सारा पूरा दिन में चार बार ये होता है मतलब दो बार लो टाइड दो बार हाई टाइड होता है। जब हाई टाइड होता है पेड़ का जो आधा का ज़्यादा पोर्शन पानी में डूब जाता है 6 घंटा हाई टाइड जब होता है। लो टाइड में पूरा खाली हो जाएगा जैसे अभी लो टाइड है पूरा खाली है जब हाई टाइड होगा तो मिट्टी का जो बांध दिखाई दे रहा है उसी के बराबर हो जाएगा पानी। और मैंग्रोव से और एक ये है ये वन मिनट मैंग्रोव का जो मैंने जो पढ़ा है ये लंबा लंबा ऐसा थोड़ा थोड़ा वो खड़ा रहता है मिट्टी के ऊपर वो दिखना क्यों मिलेगा? हाँ वो मिल जाएगा देखने के लिए अभी लोकल साइड है जब जंगल का तरफ जाएंगे तो मिल जाएगा। देखिए थोड़ा राइट साइड देखिए थोड़ा छोटा छोटा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये जो अंकुरित हो जाता है जब भी लो टाइड होता है वो पानी में गिर जाता है क्योंकि मैक्सिमम सब मादर ट्रीज है जो भी पेड़ होता है उसके पास देखिए गेहूँ तो गेहूँ पूरा है बाइन तो बाइन है सुंदरी तो सुंदरी पेड़ क्योंकि ये थोड़ा आगे की ओर नहीं जाते यहाँ पे ही होता है। तो ये जो खारा पानी है बहुत ही सॉल्टी है ये पीने का भी लायक नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो परमिशन जो मिलता है पहले जो परमिशन है सुंदरबन में टूरिस्ट लोगों का जो सेंचुअरी जोन है जिस जोन पर आप लोगों का घूमने का परमिशन है वहाँ पे हम लोग जाएंगे कल वहाँ पे जाने के बाद ही हम लोग का परमिशन मिल जाएगा घूमने का सेंचुअरी जोन में से टूरिस्ट अलाउ है। और बफर एरिया में जो होता है बफर एरिया में हनी कलेक्शन क्रैब कलेक्टिंग फिशिंग कलेक्टिंग सिर्फ बफर एरिया में होता है और कोर एरिया जो है कोर एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट वन के अलावा और किसी को परमिशन नहीं दिया जाता। तो ये टाइगर देखने को मिलेगा अपना अपना जो एरिया टाइगर देखने बहुत ही लकी बहुत ही फ्लेवरफुल यहाँ का जो टाइगर है। और एक बात है जो 1998 में यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया है दिस इज द 3 मैजिक प्लेस इन द वर्ल्ड मौसम आश्चर्य जगह है इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट लोगों ने भी घूमने के लिए आते हैं जैसे तो पहले फॉरन लोग तो ज़्यादा आता था अभी तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना डेल्टा एरिया है सनसेट का व्यू रहेगा मेन सफर टुमारो मॉर्निंग ऐसे ही 8:30 की हम टाइम बोल देंगे रात को डिनर टाइम में उसी टाइम मिल जाएगा। तो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है हम लोग अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों का बोलिए हम लोग अच्छा से हम लोग कोशिश करेंगे 100% सर्विस देने के लिए गलती भी हो सकता है इसलिए पहले से ही माफी मांग रहे हैं। दोस्तों हम लोगों को अभी खाना सर्व कर दिया गया यहाँ पे दाल चावल आलू परवल की सब्जी आलू की सब्जी और एक फ़िश का कोई आइटम है यहाँ पे सलाद है अभी फ़िश करी भी आएगा वो भी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। चलिए मैं इसको खा के बताता हूँ कैसा है टेस्ट। तो पहले दाल चावल खा के देखता हूँ दाल चावल बहुत ही बढ़िया आलू परवल की सब्जी और ये फिश का आइटम बहुत ही बढ़िया बनाया है फिश का आइटम पता नहीं क्या है दाल चावल भी अच्छा बनाया है और ये सब्जी दो भी अच्छा बनाया है। चलिए मैं ये खाना फिनिश करता हूँ मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों अभी मेरे को फिश मिला है ये फिश खा के बताता हूँ कैसा है फिश ये फिश खा के बता रहा हूँ कैसा
फिश बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, मसालेदार है, अच्छा है। ओवरऑल खाने का रेटिंग 10 में से 8 दूंगा मैं। जैसा कि आपने देखा खाना हो गया मेरा कंप्लीट, खाना तो अच्छा था, सब में नमक थोड़ा सा कम था लेकिन कोई बात नहीं, चलता इतना। और खाना स्पाइसी भी नहीं था उतना ज़्यादा, माइल्ड स्पाइसी था। और खाना मैं 10 में से 8 दिया रेटिंग, अच्छा था खाना। तो अभी हम लोग का जर्नी चल रहा है स्मूथ, देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ लेके जाते हैं। पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि बर्ड सेंचुरी में लेके जाएंगे, देखते कब तक क्या क्या होता है क्या, मैं आपको सब कुछ डिटेल्स देता रहूँगा। और ये पैकेज मेरे को कितना पड़ा कितना नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। बोट का निचला हिस्सा है, यहाँ से सीढ़ी है और यहाँ पे बेड का फैसिलिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड है, 2 जन यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी बेड है, बेड कंबल, यहाँ पे खाने पीने की सामान, यहाँ पे बड़ा सा मिरर, और यहाँ पे इंजन रूम है, ये इंजन रूम है, उस तरफ टॉयलेट है, ये रहा, ये इस तरफ टॉयलेट है, जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे किचन है, छोटा सा किचन रूम, और बस ये बोट का निचला हिस्सा। आराम से यहाँ पर लोग बैठ सकते, सो सकते, अभी देख सकते, ये टॉयलेट एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉयलेट एरिया है, पीछे टॉयलेट नहीं है, सॉरी वो मैंने गलत बोला, पीछे टॉयलेट नहीं है, सामने टॉयलेट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये इंडियन स्टाइल। इधर से आप जो ये इस साइड जो देख रहे हो, यहाँ से बर्ड सेंचुरी स्टार्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलता है। अगर कुछ देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा बर्ड्स यहाँ पे से। ये पूरा नो मैंस आइलैंड है, यहाँ पे कोई मतलब जा नहीं पाता, लेकिन बोट से आप देख सकते हैं बर्ड्स। और अभी तो अक्टूबर का महीना है, नवंबर दिसंबर में जब विंटर का सीज़न होता है तब यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अगर कुछ देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बोट हमको यहाँ पे छोड़ दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट की तरफ इस रास्ते से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू S2 होटल, पता नहीं हमारे रिसोर्ट का नाम क्या है, वह मैं आपको देख के बताऊंगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ रिसोर्ट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हम लोग का मतलब रिसोर्ट पाखीराला गोसाबा के यहाँ पे, ये रिसोर्ट हम लोग का एंट्री, ये रिसोर्ट का एंट्री, इसी रिसोर्ट में हम लोग का नाइट स्टे होगा 2 दिन का। रिसोर्ट का एरिया तो बहुत ही साफ सुंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन और गार्डन से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है रिसोर्ट का कुछ झलक।
तो मैं वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन में हम लोगों ने चेक इन के आधार नंबर देना पड़ा, आधार नंबर और मेरा नाम देना पड़ा, बस और कुछ नहीं करना था। यहाँ से चल के यहाँ पे सीढ़ियाँ है, सीढ़िया से ऊपर चलते हुए ये हम लोग का रूम, ये रूम है, 4 बेडरूम है, जहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे एसी है गर्मी के लिए, और ऐसा कुछ रूम है वाइड एंगल में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉशरूम ठीक ठाक सा है, गीजर भी दिया है सबसे अच्छी बात है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वॉशरूम, और ये है कुछ रूम का इंटीरियर। रूम का इंटीरियर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इन लोगों ने यही रूम मैनेज किया है। और ये रिसोर्ट का नाम क्या है? अभिरूप। इस रिसोर्ट का नाम है अभिरूप रिसोर्ट जैसा कि आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम लोगों को स्नैक्स मिला है, अभी बज रहे शाम के 6:30, स्नैक्स मिला। स्नैक्स में नॉनवेज भी हमको मिला, चिकन पकौड़ा, और मम्मी तो वेज है तो वेज में उनको मिला है वेज पकौड़ा। मम्मी कैसा लगा वेज पकौड़ा? ठीक ठाक है। तो वेज पकौड़ा ठीक ठाक है, अभी मैं चिकन पकौड़ा खा के देखता हूँ। तो चिकन पकौड़ा तोड़ के देखता हूँ कैसा है। ये देखिए ये छोटा सा चिकन का पीस, अब मैं इसको खा के बताता हूँ। तो ये रहा चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो अच्छा, हम लोग का स्नैक्स खाना हो गया है कंप्लीट। अभी हम 7:30 बजे करीब, शाम के 7:30 बजे करीब ट्राइबल डांस शो होगा, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी शाम के 7:40 बज रहे, मतलब 7:45 बजे करीब हम लोगों को कॉल है कि अभी यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस होगा, ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सामने किसी रिसोर्ट में आवाज़ चल रही है, इसलिए थोड़ा सा बियर कीजिए, बहुत शोर है यहाँ पे। और यहाँ का नज़ारा देखिए रिसोर्ट का, ऐसा रिसोर्ट। ये हम लोग का रूम है, रूम 107, ये हम लोग का रूम है, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा रिसोर्ट का अभिरूप रिसोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो उस तरफ जो आप देख रहे हैं लाइट, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे ट्राइबल डांस का शो होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। देख सकते हैं ये लोग आ चुके हैं परफॉर्म करने, इन लोगों का परफॉर्मेंस देखने हम लोग अभी आए हैं, अभी बज रहे हैं 7:45। तो चलिए दोस्तों अब आप अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे एंजॉय कीजिए अपने स्क्रीन पर। I'm gonna make you mine।
लगा आपको इनका परफॉर्मेंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनका परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया था और मेरे को तो बहुत मजा आया इनका परफॉर्मेंस। हम लोग भी नाचे नाचे गाए, वो मैंने वीडियो में नहीं लिया क्योंकि मैं भी नाच रहा था। तो चलिए दोस्तों, अब डिनर का वक्त हो रहा है, डिनर में मैं मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे खाना मिल चुका है, ये फ्राइड राइस है आज का मेनू डिनर में और चिकन करी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सलाद भी दिया हुआ है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ खाना कैसा है। चावल तो बिल्कुल खिला खिला है जैसा कि आप देख सकते हैं, और चिकन भी मज़ेदार है जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकन ऐसा कुछ है। मैं आपको खा के बताता हूँ, तो देखते खाना कैसा है। फ्राइड राइस बहुत बढ़िया है और चिकन भी बहुत लाजवाब है, मेरे को तो पसंद आया, बहुत ही बढ़िया है, टेस्टी है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पे चिली पनीर भी है, वेज में चिली पनीर और नॉन वेज में चिकन करी। मैं आपको चिली पनीर खा के बताता हूँ। तो चिली पनीर ये चिली पनीर भी बहुत बढ़िया है, पनीर सॉफ्ट है, जूसी है और ग्रेवी भी मज़ेदार है। चलिए मैं अपना खाना फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोगों का खाना हो चुका है कंप्लीट, डिनर तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब आज के लंच से डिनर मेरे को सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। चिकन का जो करी था वो बहुत ही लाजवाब था, फ्राइड राइस भी बहुत ही अच्छा था, और जो चिली पनीर मैंने टेस्ट किया था वो भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल डिनर बहुत अच्छा था, तो मैं 10 में इसको 9 रेटिंग देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का डे 1 यही समाप्त होता है डिनर के साथ, और कल से हम लोग का डे 2 शुरू होगा। मतलब कल का प्लान कुछ और है जैसा कि प्लान में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मेरे को ये पैकेज कितना पड़ा। मैंने ये पैकेज बुक किया है sundarbanchalo.com से, नीचे मेंशन हो रहा है नाम और कॉन्टेक्ट नंबर। और मैंने 2 nights 3 days का प्लान लिया है। 2 nights 3 days का प्लान मेरे को पड़ा है पर हेड 5,500। जी हाँ दोस्तों, 2 nights 3 days के लिए 5,500 पर पर्सन लगेगा। एक और है 3 nights 4 days वो भी है, और एक है 1 night 2 days वो भी है। तो आपको वेबसाइट में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और नीचे जो मेंशन हो रहा है, आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। और डे 1 का आइटनरी, डे 2 का आइटनरी, डे 3 का आइटनरी, आइटनरी पूरा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो डे 1 यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, और व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ऐसे व्लॉग और आपको फ्यूचर में देखना हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बन जाए इस फैमिली का हिस्सा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और ऐसे फ्यूचरिस्टिक वीडियोस देखने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।